हूँ आपके साथ अमनदीप। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा है। सीएम कमलनाथ ने पत्र में 21 लाख किसानों के कर्ज माफी की जानकारी दी है। पत्र में 21 लाख किसानों के कर्ज माफ होने का दावा किया गया है। उन्होंने शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों के कारण आप सच्चाई अस्वीकार करते रहे, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब कर्ज माफी की सच्चाई को भी स्वीकार करें। कमलनाथ ने आगे कहा कि आचार संहिता के कारण कुछ किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ था, जो अब फिर से कर्ज माफी शुरू कर रहे हैं। कमलनाथ ने शिवराज से सहयोग और शुभकामनाएं की अपेक्षा भी की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, एक बार फिर कमलनाथ ने शिवराज को पत्र लिखकर कर्ज माफी के सबूत दिए हैं और अभी भी ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल अमनदीप, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक ये मुद्दा लगातार छाया हुआ है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और उन्होंने एक तरह से बार बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सबूत देने का एक कवायद चल रही है राज्य सरकार की ओर से, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठे शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा के नेता लगातार उन सबूतों को नकार रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर सबूत है और अगर आपने कर्ज माफी की है तो वो क्षेत्र में दिखनी चाहिए, प्रदेश में दिखनी चाहिए, ना कि हमारे घर में दिखनी चाहिए। अगर आपने कर्ज माफी की होती तो आज इतनी आप सफाई भी नहीं दे रहे होते। लिहाजा भाजपा तो सीधे इन सारी चीजों को नकार रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से अपना पत्र दे करके उनको कहीं ना कहीं ये पुष्टि करने की कोशिश की है कि कर्ज माफी हुई है। और उन्होंने एक और भी बात कही है कि अभी जो सिलसिला थमा हुआ था कर्ज माफी का, जो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो 23 तारीख के बाद अब लोगों के खाते में, किसानों के खाते में फिर से पैसा जाना शुरू हो जाएगा। जी संदीप, कमलनाथ ने शिवराज को पत्र लिखकर कर्ज माफी का सबूत दिया है, तो अब बीजेपी या शिवराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर हमारी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात हुई। नरोत्तम मिश्रा का कहना यही कहना था कि अगर कर्ज माफी हुई है तो फिर उसके विरोध क्यों हो रहे हैं? कर्ज माफी अगर हुई है तो फिर प्रदेश में कांग्रेस को इस बार वोट क्यों नहीं मिला? एग्जिट पोल को आधार बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से सीटें बताई जा रही हैं मध्य प्रदेश में, पहले से भी ज्यादा भाजपा की सीटों की संख्या बताई जा रही है, तो अगर कांग्रेस ने कर्ज माफी की होती तो फिर कहां से अभी तक फिर उसका असर दिखने लगता, जमीनी हकीकत दिखने लगती, और आज इनको सफाई नहीं देनी पड़ती। लिहाजा सीधे सीधे भाजपा इन सभी सबूतों को नकार रही है। जी अमनदीप। जी संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कमलनाथ ने पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान को कर्ज माफी के सबूत दिए हैं। और कमलनाथ ने शिवराज से सहयोग और शुभकामनाएं की अपेक्षा भी की है।